तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सेवियां ना चम्मच से खानी चाहिए। नहीं, हाथ से खानी। देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सेवियां चम्मच से खानी चाहिए। बड़ा है तो बड़ा बन के रहे, सेवियां हाथ से खानी चाहिए। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो, सेवियां चम्मच से खानी चाहिए। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, हाथ से खानी चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, सेवियां चम्मच से खानी चाहिए। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, सेवियां हाथ से खानी चाहिए। मैं तो मैं कह रहा हूँ सेवियां चम्मच से खानी चाहिए। वाह जी वाह, ये हुई बात। आज नई फिल्म लगेगी, पाकिस्तानी फिल्म है। पाकिस्तानी फिल्म, ये कौन लगा रहे हैं? हाथ से चम्मच से हाथ। चलो आओ अबू से पूछते हैं। आज मैंने अभी तक सेवियां नहीं खाई, ये सेवियां पता नहीं कब मुझे मिलेंगी। आप कहते चम्मच से खानी चाहिए जी, वो आप ही बताएं कि कैसे खाएं। मैं इतना तजुर्बाकार आदमी हूँ, मैं एक मिनट में बता देता हूँ कि सेवियां कैसे खाते हैं। वाह, ये भी मसला है, सेवियों को खाने का भी मसला होता है, मैं अभी बताता हूँ। ऐसे खाओ का परेशान हूँ मैं दोनों। ये देखो, ये सेवियाँ इधर और ये इधर, ठीक है। ये आप दोनों ने प्लेट पकड़ लेनी है, ठीक है। आप भी पकड़ो, ठीक है, शाबाश, पकड़ के रखो। ये चम्मच भी बीच में रखो, ठीक है। वाह जी वाह, ये भी मसला है। अभी देखो सेवियाँ कैसे खाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? अबे ना लेको, मैं तुझे ये समझा रहा हूँ कि सेवियां ना तो चम्मच से खाते हैं, ना ही हाथ से, बल्कि सेवियां किसे खाते हैं? मुंह से। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये फनी सा स्किट बहुत पसंद आया होगा, जिसमें आपको पता चला है कि सुइयां कैसे खाई जाती हैं, ना हाथ से खाई जाती हैं, ना चम्मच से, बल्कि सुइयां मुंह से खाई जाती हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि हमारे इस वक्त कैंडिडेट्स मौजूद हैं, 6 कैंडिडेट्स हैं। इनके दरमियान में मुकाबला होगा, कंपटीशन होगा कि सबसे पहले कोडिंग कौन फिनिश करेगा। जो सबसे पहले कोडिंग फिनिश कर लेगा वो हमारा विनर कंसीडर किया जाएगा। इनका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ। स्टार्ट। देखते हैं हमारे कैंडिडेट जल्दी जल्दी कोडिंग फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जैसे विनर है इकरा मुश्ताक है, जिन्होंने सबसे पहले कोडिंग फिनिश की है। बाकी कैंडिडेट्स हैं हमारे, दिल छोटा मत करें, उनकी हौसला अफजाई के लिए अब हमारे पास बाकी जी। हमारी जो इस वक्त विनर है, जिन्होंने कंपटीशन में विन किया है, सबसे पहले पेप्सी खत्म की है, वो हैं इकरा मुश्ताक। और इनको गिफ्ट देने के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए हमारे मैडम कौसर आएंगी और इन्हें प्रेजेंट देंगी। जी हमारा नेक्स्ट कंपटीशन है फ्रूट कटिंग का। फ्रूट कटिंग में हमारे पास इस वक्त एप्पल मौजूद है। हमारे कंपटीशन में इस वक्त 3 कैंडिडेट्स हैं, जो सबसे पहले इन एप्पल्स को पील करेगा वो हमारा विनर होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए, जब आप इसका छिलका उतार रहे होंगे, उस छिलके को एक ही सीक्वेंस में उतरना चाहिए। अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो वो आप उसमें लूजर कंसिडर किए जाएंगे और विन नहीं कर सकेंगे। जी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, मिसेस खान, मिसेस जावेद, मिसेस जुल्फकार, प्लीज तशरीफ ले आए। जी नाजरीन, इस वक्त हमारी प्यारी प्यारी इस वक्त 3 लेडीज मौजूद हैं, जिनके दरमियान में ये हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ तो एक्सपर्ट्स भी होती हैं, और देखते हैं इनमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट जो है हाउसवाइफ कौन सी है, और सबसे बेस्ट तरीके से कौन इसका सेब का छिलका उतारने में कामयाब होता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। और मिसेस खान रह गई हैं, उनका स्टार्ट में ही जो इनका छिलका है वो ब्रेक कर गया है। अब देखते हैं मिसेस जुल्फकार और मिसेस जावेद, जो बहुत ही मींस अपने बहुत ज्यादा तवज्जो से इस छिलके को कर रही हैं। अब देखते हैं मिसेस जुल्फकार भी बहुत ज्यादा
मतवजा है, उनका छिलका ब्रेक कर चुका है और इस वक्त में से जावेद रह गई है जो हमारी विनर है। आप लोग ने स्टोरी सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप लोग जल्दी ना करते तो शायद आपका ये छिलका ब्रेक ना करता। और इस वक्त हमारी जो विनर है मिसेस जावेद है, गिव अ बिग हैंड। आपका बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस जावेद, आपके लिए हमारे पास एक प्रेजेंट है जो मैडम कोसर आपको प्रेजेंट करेंगी। हाँ जी, देखा नाजरीन, आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे ईद के दिन को, आप और ज्यादा आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त। अब हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है सेवियां। अब हमारे बच्चों के दरमियान में कंपटीशन होगा जिसमें बच्चे सेवियां खाएंगे, जो बच्चा सबसे ज्यादा सेवियां सबसे ज्यादा स्पीड में खाएगा वो हमारा विनर होगा। जी नाजरीन, इस वक्त हमारा लास्ट सेगमेंट है और वो सेवियां खाने का कंपटीशन है। हमारे नन्हे मुन्ने साथी आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त। हमारे साथ वाइबा खान है, आयजा और अब्दुल कदीर और मैं भी शिफ्तार हैं जो कि सेवियों के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं हमारे पास इन बाउल्स में सेवियां हैं और कौन सा बच्चा सबसे पहले सेवियां फिनिश करेगा। जो सबसे पहले फिनिश करेगा ऑटोमेटिकली वो विनर होगा। राइट, योर टाइम रेडी है आप लोग? योर टाइम स्टार्ट नाउ। आयजा खान बहुत कोशिश कर रही है सेवियां खत्म करने की। महविश का कंपटीशन और आयजा का बहुत ज्यादा टफ टाई हो सकती है इन दोनों के दरमियान में। हरियप अब्दुल कदीर, हरियप आयजा, देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा विनर जो है इस कंपटीशन को विन करेगा। कम ऑन हरियप, आयजा खान इज गोइंग टू विन, आई एम श्योर शी विल विन द लास्ट सेगमेंट। क्लैपिंग फॉर आयजा खान, शी इज द विनर। आयजा खान ने जी हमारा लास्ट सेगमेंट जो है उसे विन कर लिया है, जो कि सेवियां खाने का कंपटीशन था। आयजा खान के लिए क्लैपिंग हो जाए वंस अगेन और मैडम कौशल आएंगी जी ने प्रेजेंट देने के लिए ताकि इनकी हौसला अफजाई की जा सके। जी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे इन प्रोग्राम्स को, इनमें डिफरेंट सेगमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप अपनी ईद ऐसे ही खुशियों से रंग बिरंगी ईद को सेलिब्रेट करते रहें। मेरी तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैडम कौशल से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कुछ अपने ख्याल का इजहार करें कि वो अपनी ईद की सेलिब्रेशन कैसे करें। सबसे पहले तो मैं जितनी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं और जो परदेश में हैं, जो मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ, खुशी तो वाकई बच्चों से ही होती है और वालदैन को भी बच्चों से भी उतनी मोहब्बत होती है, बच्चों के लिबास देकर और चीजें खरीदने में। इस तरह मैंने भी नन्हे मुन्ने बच्चों को जब आज देखा है, मुझे इससे ज्यादा खुशी हुई है। और बड़ों के लिए भी एक मेरे लिए मैसेज जहन में आया है कि प्लीज कोई आपका दोस्त नाराज है आज के दिन कि उनके मनाने में, आप पहल करें, इसमें आपको अल्लाह ताला अजर देगा। जी, मैं मैडम कौशल की बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया और आप लोग भी यकीन करती हूँ कि इस ईद को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अल्लाह निगेबान।